देशभक्ति कवि है। इसमें कवि ने हम सब भारतवासी को राजा भरत की वीरता और साहस से तुलना करते हुए इस कविता की पंक्तियों को दर्शाया है। इसको सुने। कवि ने लिखा है कि हम भारत के भरत खेत के शेरों की संतान से कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस कविता के माध्यम से कवि ने कहा है कि हम सब भारतवासी जो है वो महान चक्रवर्ती सम्राट भरत के समान शक्तिशाली हैं, जो शेरों के बच्चे से खेलने की ताकत। इसलिए कोई भी देश हमारे देश से बड़ा नहीं है, हिंदुस्तान से बड़ा नहीं। तो आइए सबसे पहले हम यहां पर राजा भरत को दर्शाया गया है, तो सबसे पहले हम लोग राजा भरत को जानते हैं। राजा भरत के पिता का नाम दुष्यंत कुमार था और माता का नाम शकुंतला था। शकुंतला महर्षि विश्वामित्र की पत्नी थी और आप लोगों ने महाभारत को जरूरी जाना होगा। महाभारत में जो कौरव के जो पूर्वज थे उनमें से भरत का नाम भी है। यहां पर देखिए बताया गया है कि भरत अपने बाल्यकाल में तरह तरह के जंगली जानवरों को, जब वो खेलने के लिए जंगल में जाते थे तो वो तरह तरह के जंगली जानवरों को खेल खेल के ही पेड़ों से बांध दिया। तो इस तरह से उनका ये कार्यकाल जारी था। एक दिन महर्षि कर्म ने जब देखा पास में ही जहां पर भरत खेलते थे वहां पर पास ही महर्षि कर्म पास थे और महर्षि कर्म ने देखा कि ये बालक जंगली जानवरों को, शेरों को और भी तरह के जंगली जानवरों को पेड़ों में बांध दिया करता है खेल खेल में नीडर होके। तो उन्होंने भरत का नाम सर्वदमन रखा। भरत प्राचीन भारत के चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब होता है जो विश्व विजेता, जिसने पूरे विश्व पर विजय कर लिया वो चक्रवर्ती का। तो आइए हम लोग जानते हैं, कविता की ओर चलते हैं। तो यहां पर कविता में कहा जाता है कि हम भारत के भरत के शेरों की संतान से कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। तो यहां पर कविता के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि हम सब भारतवासी जो है वो राजा भरत के समान पराक्रमी साहसी हैं और जैसे वो बाल्यकाल में शेर से खेला करते थे, जंगली जानवरों से खेला करते थे, उतना साहस हम में भी है। हम भी शेरों से और जंगली जानवरों से खेलने का ताकत रखते हैं। हमारा देश हिंदुस्तान जो है वो दुनिया में सबसे ही बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश हिंदुस्तान क्यों है, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि जितने भी देवी देवताओं ने जन्म लिया वो सभी हिंदुस्तान में ही जन्म लिए। हम लोग जिस धरती पर, हम लोगों ने जिस धरती पर जन्म लिया है उसी धरती पर सभी देवी देवताओं ने जन्म लिया। चाहे आप रामायण में देखें, महाभारत में देखें, सतयुग में देखें, द्वापर में देखें, त्रेता में देखें, जितने भी देवी देवता हुए, भगवान विष्णु का जितना भी दशावतार हुआ सब भारत में ही हुआ, और भी जितने देवी देवता उत्पन्न हुए सब भारत में ही हुए। तो इसलिए पूरे विश्व में हिंदुस्तान को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया। इससे बड़ा देश कोई भी देश नहीं। यहाँ की हमारी संस्कृति सभी देशों से
पैदा होगा सचमुच में गर्व की बात है, क्योंकि यहां पर जहां पर देवी देवताओं ने जन्म लिया है, जहां पर की अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है, वह उस भूमि पर जन्म लेना सचमुच में ही गर्व की बात है। और इसी कारण हम लोगों को साहस और वीरता, साहस मीन्स साहस का मतलब होता है हिम्मत, तो हिम्मत और वीरता दोनों ही हम लोगों को पूर्वजों से ही, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी बहुत सारे पराक्रम किए, बहुत सारे उन्होंने अलग अलग अपना पराक्रम दिखाया है, और वही पराक्रम हम लोगों को सौगात के रूप में मिला है, भेंट के रूप में मिला है। तो बच्चों ये कविता देशभक्ति कविता है, इसको अगर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे समझेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, मजा आएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग कल डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चन आपको बता देते हैं। सबसे पहले कहा जाता है कि शेर के बच्चे के साथ कौन खेलते हैं, तो यहां पर दिया हुआ है कि शेर के बच्चे के साथ, चूंकि भरत को दर्शाया गया है तो शेर के बच्चे के साथ भरत खेलते हैं। राजा भरत अपने बाल्यकाल में शेर के साथ खेला जाता है। दूसरा प्रश्न है, संसार भर में सबसे श्रेष्ठ देश कौन सा है, तो संसार में सबसे श्रेष्ठ देश भारत है। वो इसलिए है क्योंकि यहां पर सभी देवताओं ने, देवी देवताओं ने जन्म लिया है, यहां सभी अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है, इसलिए ये देश महान है, श्रेष्ठ है। तीसरा प्रश्न है कि साहस और वीरता हमें किससे सौगात में मिली है, किससे भेंट मिली है, किससे उपहार मिले, तो साहस और वीरता हम लोगों को अपने पूर्वजों से उपहार में मिली है, अपने पूर्वजों से भेंट मिली है, अपने पूर्वजों से सौगात मिली है। इसके बाद की पंक्तियां हैं, मैं पंक्ति पढ़कर सुना देता हूं, इसको अच्छे तरीके से कल हम एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी पंक्तियां हैं कि बड़ी बड़ी ज्वालाओं में तो नहीं आ चिंगारियां, कांटे पहले फूल बाद में देती है कुमारियां, कभी काटते कभी मारते जीते मरते शाम से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो बच्चों आज ही आप आठ